आज हम करेंगे चेयर योग। कोई बताएगा चेयर योग की जरूरत कब पड़ती है? नहीं पता। ऑफिस वर्कर्स के लिए आजकल की डेली लाइफ क्या हो गई है, ज्यादातर क्या होती है, चेयर पे बीतती है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग टाइप है जैसे आसन, वो इसलिए बनाए गए हैं कि आप चेयर पे भी कर सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करने से पहले चेयर पे बैठे बैठे 3 times ओम चैंट करेंगे। चलिए आईज क्लोज, ओम चैंट। Slowly open your eyes. Slowly. Then धीरे धीरे आप हो जाएंगे। Stand up. Back side of chair पकड़ लेंगे। उचित दूरी बना लीजिएगा प्लीज आगे पीछे। हाँ हाँ बस इसके पीछे मैम। Then slowly leg movement करेंगे side to side. विथ सपोर्ट ऑफ चेयर एडजस्ट कर लीजिएगा आगे पीछे। धीरे धीरे सांसों की गति नॉर्मल बनाए रखेंगे। यहीं से बैक केक धीरे धीरे। Then slowly jogging movement, toes नहीं उठेंगे आपकी, knees movement only. Face calm, smile बनाए रखें। धीरे धीरे pace बढ़ाएंगे ऐसे ही। बहुत अच्छे। Then left arm से chair को पकड़िए, right arm wrist पर, right leg up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, ऐसे front ले जाएंगे आगे की तरफ, then back, front and back, back straight रखेंगे, सिर्फ legs movement, feel करेंगे अपनी hips muscles को, stretch. बहुत बढ़िया, एक पैर पे बैलेंस बना रहे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत अच्छे। सेम दैट चेंज अदर साइड, फर्स्टली लैटरल साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, then relax. ऐसे right, left leg को आगे की तरफ लाएं, then back, front, back, continue. 5, 4, 3, 2, 1 के साथ थोड़ा सा relax कर लेंगे। फिर से एक बार back kick. Then apart the feet. चेयर थोड़ा सा दूर रखेंगे और हाफ लोंज जैसे मूवमेंट्स करते ना ऐसे बस नीचे के मूवमेंट साइड टू साइड। जब राइट लेग फोल्ड होगा लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेच, सीधा नीचे स्ट्रेट करते हुए कंटिन्यू। देन राइट साइड मूव करते एक बार राइट देन लेफ्ट, राइट लेफ्ट सामने देखें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। देन राइट साइड होल्ड करेंगे थोड़ी देर, होल्ड इट, लेफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट। 5,
four, three, two, one. Then same other side, stretch, five, four, three, two, one, then relax. धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और धीरे से चेयर पर बैठ जाएंगे. दोनों हाथ सामने, हल्का सा चेयर पे आ जाएंगे लेकिन एडजस्ट रखिएगा, बैलेंस बना के पैर आगे की तरफ, धीरे से आप उठ जाइए. देन स्लोली डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. बैक सीधे रख के प्लीज उठिए, अप, डाउन, बहुत अच्छे. लास्ट फाइव, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. देन लास्ट वन, अप, डाउन एंड रिलैक्स. पाम अपवर्ड, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट. देन दोनों आर्म साइड स्ट्रेच करते हुए आप ले जाइए, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच करते हुए आप ले जाइए, यहीं तक फैलाइए, आगे लाइए. फुल मूवमेंट नहीं करेंगे लेकिन हाफ, वेरी गुड. सीने में पूरा तनाव आना चाहिए आपके, स्ट्रेच. देन फ्रंट, अब श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते डाउन. बैक इसकी सपोर्ट में मत रखिए प्लीज, स्ट्रेट. इनहेल अप, डाउन, लास्ट वन, देन रिलैक्स. एज ए ट्विस्टिंग राइट साइड चेयर के सपोर्ट के साथ, देन वापस ट्विस्टेड लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट. कंटिन्यू एटलीस्ट फाइव टाइम राइट साइड, फाइव टाइम लेफ्ट. चलिए सभी अपने लेफ्ट साइड स्ट्रेच करते होल्ड करेंगे, बैक पर स्ट्रेच फील करें, सीधी रखे बैक, होल्ड इट. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन. कम बैक स्लोली वापस, मूव इट अदर साइड, स्ट्रेच एंड होल्ड. फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, देन रिलैक्स. देन अगेन पाम अपवर्ड, डीप ब्रीदिंग, हल्का शोल्डर से रख करेंगे. देन दोनों आर्म सामने की तरफ, इनहेल अप, एक्सहेल थोड़ा फोर्सफुली. पेस अप, ब्रीदिंग पैटर्न को समझो, दोनों तरफ की आवाज से आएगी आपकी, इनहेल भी, एक्सहेल थोड़ा फोर्सफुल होगा लेकिन आएगी वॉइस दोनों. कंटिन्यू, इसलिए मीडियम पेस. देन स्लोली स्लोली लास्ट वन. जब वापस आए पेस भी बढ़ाया लेकिन ब्रीदिंग अब नॉर्मल है आपकी, ऐसे ही स्टार्ट जिस पेस पे करें उसी पेस पे वापस. देन टेक डीप ब्रीथ अगेन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट.
अब देन नेक का मूवमेंट करेंगे, फर्स्टली राइट साइड स्ट्रेच, देन आप लेफ्ट, धीरे धीरे जर्क मूवमेंट मत करिए प्लीज, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे चेयर पे बैठे बैठे जब बहुत ज़्यादा वर्क कर लें थोड़ा थोड़ा नेक स्ट्रेच कर लें, मूव इट राइट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, देन नेक को राइट साइड रखिए, ओनली हाफ सर्कमफेरेंस, लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएंगे, स्लोली स्लोली लेफ्ट से राइट, आंखें खुली रखें, बैक स्ट्रेट, फुल मूवमेंट मत करिए प्लीज, धीरे धीरे हाफ, बहुत बढ़िया, देन फ्रंट थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, टेक डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट, दोनों पैरों को सामने की तरफ रखिए, धीरे से राइट लेग अप करेंगे ओनली, राइट डाउन देन लेफ्ट अप, अप डाउन अप डाउन, आज के समय की नीज की बहुत पेन्स रहते हैं ना, तो उनके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, आपको सिंपल ये बताएगा, इसको आप साथ में कोई कवर रख लीजिए या पिलो के साथ भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगली थाइज पे आप जरूर रखें, स्ट्रेच फील करें अपनी थाइज मसल्स पर, एंड आप डाउन अप डाउन, फेस काम प्लीज, धीरे धीरे अब इसको ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करिए, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन अप डाउन, तो साथ में ब्रीदिंग कनेक्ट करिए, यंग एज तो धीरे धीरे फास्ट भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे कंटिन्यू, थोड़ा पेस बढ़ाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के साथ होल्ड करेंगे, टोच का इनसाइड ले आइए, स्ट्रेच और नीज को थोड़ा रब करेंगे, ऐसे रब करिए, अच्छे से रब करें, देन डाउन देन लेफ्ट, रब करें टोज इनसाइड, देन रिलैक्स, ऐसे सेम बोथ लेग्स से आप डाउन अप 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 डाउन, ब्रीदिंग आउट करें, चलिए स्ट्रेच करते होल्ड, टोज इनसाइड, अगेन रबिंग, नीज को रब करें, अच्छे से रब करें, देन रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट, देन स्लोली स्लोली लैटरल में स्ट्रेच करते हुए कम बैक वापस, सेम देन राइट साइड वापस, कंटिन्यू एटलीस्ट 5 times राइट साइड 5 times लेफ्ट, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे, चलिए राइट साइड रखते होल्ड करेंगे, लेफ्ट आर्म सब रहेगा, स्ट्रेच होल्ड इट, 5 सामने देखें, 4, 3, 2, 1 देन वापस स्लोली स्लोली, सेम देन अदर साइड, स्ट्रेच इट होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1 देन रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, देन थोड़ा सा आगे की तरफ बैठेंगे, हील से हील टोच से टोच ज्वाइन कर लेंगे, देन ज्वाइन करें नीच को ऐसे, अभी नील करते हैं स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, ब्रीदिंग के साथ प्ले, सीना बाहर की तरफ आना चाहिए आप, बहुत बढ़िया, ब्रीथ के साथ प्ले,
बहुत बढ़िया, आ रहा है पूरी स्पाइन पर स्ट्रेच फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, ब्रीद इन, चलिए नहीं करते होल्ड स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद होल्ड नहीं करेंगे, ब्रीद नॉर्मल रखिए, होल्ड इट, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then relax. Deep breathing. थोड़ा पैरों में गैप बना लेंगे, हल्का हल्का सह सेक कर लीजिए. Then arm side. Try to make a fist. Up. Then जो next movement करेंगे वो तो belly area के लिए, लेकिन धीरे बैक सीधी रखेंगे ऐसे, एक बार अप क्लैम देन फोल्ड करते हैं, 1 चेंज करेंगे, 2 झुकना नहीं है, बैक सीधी रखते हैं, नीच को उठाइए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत अच्छे, 9, 10 कंटिन्यू थोड़ा पे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. बहुत बढ़िया. Palm upward. Deep breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब यहीं से खाली टोच को अप एंड टोच पे स्ट्रेच. Continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब कैसे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, एक हमारे यहाँ होते हैं फ्लैप, फ्लैप जानते हैं क्या होता है, थप्पड़ मारते थप्पड़ भी होता है, स्लैप योग, मतलब पूरी बॉडी को क्लैपिंग के साथ चार्ज करना. तो ये पूरे पॉइंट आप जानते हैं, एक्यूप्रेशर जानते हैं कोई, पूरे पॉइंट्स आपके हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी पे होता है. तो एक एक पॉइंट्स को चार्ज करने के लिए हम पूरी बॉडी को चार्ज करेंगे अभी. हाँ कंटिन्यू, पहले पाम को रखिए ऐसे, एक साथ लेग डाल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then fingers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जो अपनी टिप है, टिप से टिप. ये जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है, खासकर आपके ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ब्रेन के सारे पॉइंट्स आपके टिप पे हैं ये. कंटिन्यू टिप से टिप, वेरी गुड. देन ये साइड्स जो हैं, इनको साइड्स को आपस में, बहुत बढ़िया. रिस्ट कंटिन्यू, 5, 4, 3, 2, 1. देन राइट आर्म कैसे बनाइए, कप शेप. अब कप शेप से ऐसे अपोजिट साइड, 1, 2, 3. थोड़ा इतना सेंसेशन होना चाहिए, खाली टच नहीं करना, सेंसेशन टाइप की, तभी तो महसूस होगा एक एक नोट्स पे. वेरी गुड. चेंज लेफ्ट आर्म्स की भी कप शेप, चोट नहीं लगेगी. 5, 4, 3, 2, 1. ऐसे फोर आर्म पे, ये पूरे फोर आर्म पर एल्बो तक कंटिन्यू. वेरी गुड. Then bicep, elbow तक पूरे arms को यूज करिए, shoulders पे नहीं जाना, बहुत अच्छे अच्छे चार्ज करिए, चीटिया टाइप की चलनी चाहिए बॉडी के अंदर. Then shoulders पर, बहुत बढ़िया, अच्छे से, very good, continue. Then change करेंगे left arm से right के forearm पर पूरे, बहुत बढ़िया. देन ये एल्बो जॉइंट से इस पे, अब कम से कम 5, 4, 3, 2, 1. देन पूरे बाइसेप पर कंटिन्यू कंटिन्यू. देन शोल्डर्स पर कप शेप रखिए, चोट लगेगी
Very good. Then थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हल्का हल्का शोल्डर स्ट्रेन. चीटिया सेंसेशन महसूस हो रही है हाथों पे? हाँ, बहुत बढ़िया. ऐसे लेफ्ट आर्म सब रखिए तो ट्राइसेप्स मसल से आपकी उसके साथ एक एक बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करना है. कंटिन्यू. बहुत अच्छे. देन ये साइड नीचे तक लाएं. वेरी गुड. अच्छे. देन चेंज द ट्राइसेप्स मसल. साइड. देन अगेन रिलैक्स. ट्राई टू मेक अ फिस्ट. Deep breathing, breathe out, breathe in, breathe out. Then अब जो chest पे करेंगे, left arm यहाँ रखेगा, right उसके ऊपर, ऐसे, हल्का. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. पेट पे थोड़ा pressure ज़्यादा भी दे सकते हैं, ऐसे, बहुत अच्छे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, then thighs. 1, 2, 3, 4. थोड़ा अच्छा होता है ये प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है, थाइज मसल्स तो मजबूत हैं. वेरी गुड. साइड. बहुत अच्छे. बहुत बढ़िया. एक लेग के साथ इनसाइड आउटसाइड. बहुत बढ़िया. एक लेग के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then knees. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Side to knee. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then shoes ko nikal denge please. एंड लेफ्ट लेग अप कर लेंगे ऐसे. ये काफ मसल पे, बोन्स पे नहीं देना, काफ मसल पे. एक रिदम के साथ. बहुत बढ़िया. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों आपकी टोच के साथ, दोनों पर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छे से रब करिए, अच्छे से रब करिए. बहुत बढ़िया. रिलैक्स योर सेल्फ, खुद को भी हील करना चाहिए ना. अच्छे से रब करिए प्लीज. देन टोच को मूव करें आगे की तरफ, देन अपनी तरफ. स्ट्रेच मूव. ऐसे फिंगर स्टिप बना लीजिए. इन थ्री फिंगर्स का यूज करेंगे. देन थंब. देन काफ मसल्स को पकड़िए ऐसे. एक आम से प्रेस, दूसरी रिलीज, दूसरे से पकड़ेंगे तीसरी को. ऐसे डाउन की तरफ जाइए स्ट्रेच करते हुए. थंब नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ आइए. वेरी गुड. काफ मसल्स को जानते हैं, छोटा हार्ट भी तो बोलते हैं ना, जो पंप करता है ऊपर की तरफ ब्लड. तो जितनी ये मसल्स को आप रिलैक्स करेंगे उतना अच्छे से काम करेगी ना. ऐसे ही ये दो दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा आज रिलैक्स भी करेंगे. अच्छे से प्रेस करिए प्लीज़. बहुत बढ़िया. ऐसे हल्का हल्का रब कर लेंगे. सेक कर लीजिए, ऐसे रबिंग कर लीजिए. नहीं तो वेरी गुड. देन राइट लेग अप. दिस लेफ्ट. वेरी गुड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन टोच डाउन. 1, 2, जितना पैसा दे सकते. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देन अच्छे से रब करिए. बहुत बढ़िया. रब. देन टोज को स्ट्रेच करेंगे. देन डाउन स्ट्रेच
down, stretch, down, stretch, down, stretch, down. Then three fingers के साथ calf. काफी relaxed feel करेंगे जब calf को अच्छे से दबाएंगे आप. बहुत बढ़िया. Down की तरफ, then up. Down की तरफ, then up. बहुत बढ़िया. करिए करिए. ऐसे अच्छे से shake करिए. Shake करिए. Then thighs को अच्छे से shaking करिए. Then left thighs. बहुत बढ़िया. Again knees को नैनल का बैली एरिया रब करिए कि एक्सरसाइज आपके एक्टिव हो जाएंगे. देन आर्म्स जैसे रगड़ना बोलते ना अच्छी तरह रगड़िए. बहुत बढ़िया. देन सेम अदर साइड. ऐसे पाम को रखिए अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखिए और ऐसे दबाइए मसल्स को दबाइए. वेरी गुड. सेम देन अदर साइड. ऐसे चिन को आप रखिए डाउनवर्ड की तरफ मसाज करेंगे. ऐसे नेक पे ऐसे प्रेशर नहीं डालना आपको खाली मसाज जेंटली जेंटली डाउन तरफ. वेरी गुड. देन थंब इनसाइड. अब फेस को चार्ज करेंगे पूरा ग्लो के लिए. बहुत अच्छा. ऐसे पूरे फेस पर नोज और आईज को छोड़ते हुए फोर एड अच्छे चार्ज करिए. देन नोज के पास फोर एड कंटिन्यू कंटिन्यूअली 30 सेकेंड. वेरी गुड. चीटियां चलनी चाहिए इतना करें. देन थोड़े रिलैक्स करेंगे अगेन. डीप ब्रीदिंग. Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Then सारी fingers को join कर लीजिए ऐसे. चिक के बाद रखेंगे ऐसे क्लोप वाइज. डीप प्रेशर भी दे सकते हैं थोड़ा. ऐसे रिवर्स. बहुत बढ़िया. मैंने अपने इंडेक्स फिंगर नोज पर रखी है और बाहर की तरफ जैसे स्माइली बनाते हैं ना ऐसे बाहर की तरफ ले धीरे से अप की तरफ. वेरी गुड. इनकी नोज ब्लॉक रहती है सर्दियों के टाइम में या साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है आप उनके लिए बहुत ही अच्छा. कंटिन्यू. अब ज़्यादा प्रेशर देंगे हल्का हल्का. जिनको डार्क सर्कल आते हैं नहीं नीचे की तरफ आइज की तरफ ऐसे ऐसे हल्का 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 पूरा आप तक जाएंगे. देन वापस आएंगे ऐसे ही ऐसे ना सेंसेशन ये ऐसे हाँ पूरा डाउन तक. एटलीस्ट 5 टाइम क्लॉक वाइज 5 टाइम एंटी क्लॉक वाइज. बहुत बढ़िया. थकान दूर हो जाती है आँखों की. देन फिंगर्स की टिप से टैप करेंगे बीचों बीच हल्का हल्का टैप. यहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं देना आपको. सिर पर प्रेशर बहुत लाइट ओनली टैप. वेरी गुड. पूरे सर पर नहीं बस बीचों बीच जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार मांग भरते ना उस पार्ट पर. अब जो थपकी देंगे वही कप शेप में बहुत लाइट पूरे सिर पर हल्का हल्का बहुत लाइट धीरे धीरे. देन थम अगेन ऑन साइड और साली फिंगर टिप से बैक नेक. यहाँ दे सकते हैं हल्का 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 हल्का. देन कान पकड़ेंगे बाहर की तरफ हल्का प्रेस करेंगे. वेरी गुड. फेस काम. देन रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस की तरफ होल्ड करेंगे. 3 2 1. देन डाउन की तरफ पकड़ेंगे डाउन से नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस करिए.
देन रिलीज, नीचे की तरफ खींचेंगे, रिलीज, अगेन नीचे की तरफ, रिलीज, ऐसे आपकी तरफ ऊपर की तरफ प्रेस करिए, देन रिलीज अप, रिलीज अप, रिलीज। अब इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करेंगे, अच्छे से बंद करिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, देन रिलैक्स फिर से आर्म्स को एक बार शोल्डर से कर लीजिए, छोटी सी स्ट्रेचिंग, राइट साइड मूव करेंगे, होल्ड इट, 5 4 3 2 1, सेम अदर साइड एंड स्ट्रेच, 5 4 3 2 1, देन अब आईज की एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी सी, हाँ इंडेक्स फिंगर अप रखिए, ठीक है, साइड से बाहर के जाएंगे ना आईज के पास, ये बिल्कुल पास नहीं ले आना, थोड़ा सा दूर, हल्का सा यहाँ से लेकर आप ले जाएंगे ऐसे, ये टाइट भी होती है स्किन, ओके, अब सामने तब देखिए पूरा, देन क्लोज आईज, 1 ब्लिंक करेंगे, देन ओपन, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक ओपन, ऐसे 20 टाइम, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक ओपन, ब्लिंक ओपन, कंटिन्यूसली 10 टाइम, डबल ब्लिंक नहीं करना, सिंगल ब्लिंक, लास्ट 4, अब सामने देखें विदाउट ब्लिंक, ब्लिंक नहीं करना, जितना देख सकते हैं, फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज करेंगे, जितना मैक्सिमम देख सकते हैं, कंटिन्यू, फर्स्ट ब्लिंक के साथ ही आईज क्लोज, आर्म्स डाउन, थोड़ी देर आंखें बंद कर लेंगे, एंड फेस काम, आईज क्लोज ही रखिए थोड़ी देर, देन रब करिए यहां से पाम को अच्छे से, अच्छे से रब करें, देन आंखों पे रख लेंगे बहुत लाइट प्रेशर के साथ, थोड़ी देर आंखों पे रखिए, देन हाथों को हटाइए, एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं खोलना आंखों को, धीरे 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 धीरे, बहुत बढ़िया, अच्छा फील होने लगेगा ये आंखों के पास, जिनको पेन था ना सिर में उनके लिए बहुत बढ़िया। अब मेरी काउंटिंग के साथ करिएगा प्लीज, मैं कहूँगा 1 1 ब्लिंक के साथ ओपन, 2 2 के साथ ब्लिंक, आपके अनुसार नहीं होनी चाहिए ब्लिंक मेरे काउंट पे, ठीक है, 20 टाइम करेंगे, 20 के बाद जो भी पॉइंट आपको सामने दिखे बिल्कुल आंखों के सामने उस पॉइंट को विदाउट ब्लिंक देखेंगे, जैसे फर्स्ट ब्लिंक होगी देन आईज क्लोज, समझ गए सभी, चलिए बिल्कुल सामने किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिए, चलिए ब्लिंक करेंगे, 1 ओपन, 2 और खोल के रखेंगे 2 पे, 3 4 5 6, अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा ब्लिंक का मतलब है एक ब्लिंक देन ओपन, 1 2 3, जब मैं 3 कहूंगा तो 3 पे ओपन ही रहेगी, जब तक 4 ना कहूं, ये चलिए रेडी वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देन विदाउट ब्लिंक जितना आप देख सकते हैं मैक्सिमम, सबकी रेंज अलग होगी, उस पॉइंट से ध्यान ना हटे, फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज, चलिए 5 सेकंड रुके, पानी आने दीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, पानी आएगा शुरू में, फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज, कितनी बार ब्लिंक, हाँ आईज क्लोज कर लो, हाँ आईज क्लोज कर लो, जो पॉइंट पर ध्यान था उसको देखो आंखें बंद करके, आंखें बंद ही रखनी है, बहुत बढ़िया, देन रब करें अच्छे से पाम को, अच्छे से रब करें, और धीरे से आंखों पर रखेंगे, आंखों पर रखिए थोड़ी देर, देन हाथों को हटाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे भी, एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, धीरे धीरे, एकदम से जल्दी नहीं खोलना, स्लोली 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 ओपन योर आईज, काफी फ्रेशनेस फील होगी, धीरे धीरे जल्दी से खोल लेते हैं, पानी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम आएगा क्योंकि आईज की इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना देखने की एक पॉइंट पर, चलिए 1 सेकेंड सेकेंड टाइम करेंगे, वही 20 का नियम, चलिए रेडी सभी, बैक सीधी रखिए प्लीज, बैक स्ट्रेट, किसी भी एक पॉइंट पर सामने, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन के साथ विदाउट ब्लिंक फर्स्ट बिलिंग पे आइज क्लोज बहुत बढ़िया कोई ज्यादा भी देखता है कम फर्स्ट बिलिंग पे आइज क्लोज थोड़ी देर आंखें बंद रखें से ध्यान भी बढ़ता है एक पॉइंट पर कितनी देर आप मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं रब करें अच्छे से रब करें देखिए पूरी बॉडी को जो एनर्जी बोलते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी वो आपके आर्म्स में होती है पाम पे ये भी तो रखते हैं सिर पे जब बड़े बोलो कि आप पैर छूते हैं तो क्या रखते हैं ऐसे ही अपनी आंखों पर रखेंगे फिर उस एनर्जी को खोल दी आंखें फायदा क्या हुआ धीरे धीरे आते टाएंगे एंड स्लोली स्लोली ओपन आवर आइज जनरली क्या कर रहे हैं देखो ये रब कर रहे हैं और आंखों पे ऐसे रख रहे हैं ऐसे नहीं रखना ये जो एरिया है ये आपका फेस से तो टच ही नहीं होना सिर्फ आइज पे ऐसे रखना है ये इसी को रब करो अच्छे से देखो हीट करो गर्म भी यही पार्ट होगा सबसे ज्यादा आपका ये तेजी से रब करो लिखा हुआ ये देखो ऐसे जितना रब करेंगे फिर देन उसको लाइट प्रेशर के साथ आइस पे रखिए उसकी गर्माहट फिंगर्स नहीं रखनी चलिए थर्ड एक्सरसाइज करेंगे आइस की अच्छा लग रहा है कैसा लग हल्कापन लग रहा है ना हाँ थर्ड करेंगे ऐसे थंब को रखिए जो उसकी नेल्स है ना ये इस पर फोकस लगना है ध्यान नहीं हटना ना इधर जानी है ना इधर जानी बिल्कुल इसी पर पार्ट पर अब इसमें करना क्या है इसको पास तक लाना है इसी को देखते हुए इससे ध्यान नहीं हटेगा ये पास तक यहीं से दूर ले जाना है कम से कम पांच बार पास लाएं धीरे धीरे और ध्यान बिल्कुल भी इससे डिस्टर्ब ना हो आपका पूरा अटेंशन आपका सिर्फ इस पर लाएं पास तक दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, पास लाएं, दूर ले जाएं, लास्ट टू टाइम लास्ट वन पास लाएं और विदाउट ब्लिंक फिर से वही जब तक देखें जब तक फर्स्ट ब्लिंक ना हो फर्स्ट ब्लिंक पे आईज क्लोज एंड देन आर्म्स डाउन अब जिस पॉइंट पर आपने ध्यान लगाया तो उसको महसूस करें फिर से आंखें बंद करके भरकुटी पर हाथ नीचे कर लेंगे जब आंखें बंद हो जाएं वेरी गुड देन अगेन रब आंखों पर रखेंगे लाइट प्रेशर के साथ देन हाथों को टाएंगे एंड देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज धीरे 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 बहुत बढ़िया देन पाम कप रखेंगे लंबी गहरी सांस लेंगे breathe out breathe in breathe out then दोनों palms सामने की तरफ किए ज्ञान मुद्रा लेंगे palm upward then first क्रिया कपालभाति का अभ्यास करेंगे 1 second one beat से धीरे से exhale करते पेट का अंदर की तरफ movement करेंगे सब करेंगे 1 second टू बीट अब जिनका अच्छे से अभ्यास पहले से कर रहे हैं वो पेस बढ़ाएंगे बाकी सभी जो बिगनर्स हैं वो मेंटेन रखेंगे बस इसी पेस को चलिए पेस बढ़ाएंगे वही जिनका अभ्यास अच्छा है तेजी से पेस पेस का मतलब 1 second 3 to 5 beats
पेट से रिलेटेड आपके आयुर्वेद के अनुसार 120 बीमारियां होती हैं, जिसमें से 90 बीमारी सिर्फ और सिर्फ आपके कपालभाति दूर कर देती है। अब पेस जितना आप कर लिया उस पेस को मेंटेन रखें थोड़ी देर। धीरे धीरे मीडियम पेस पे लाएंगे, स्लोली स्लोली। देन धीरे धीरे स्लो पेस पे आएंगे, 1 सेकेंड 1 बीट। वन सेकेंड 1 बीट को मेंटेन रखिए। रिलैक्स करते पूरा रिलैक्स कर लेंगे। अब जैसे कल कभी आपको एनर्जी बैठे बैठे लो लगने लगती है, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा बताई थी ना मैंने, टेंपल मुद्रा। वन सेकेंड, थोड़ी देर बैठे बैठे आप ऐसे रखिए। अब ब्रीदिंग को वही कनेक्ट करेंगे, आज 4 4 4 के पार्ट में करेंगे, 12 सेकेंड की एक ब्रीथ। रेडी है सभी? 1 2 इनहेल करेंगे, 1 2 3 4 होल्ड, 1 ब्रीथ भी होल्ड करेंगे, 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 ब्रीथ इन, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन लाएंगे, एक्सहेल करते हैं, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 इन अप, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 लास्ट टू ब्रीथ अप, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 डाउन, 1 2 3 4 देन रिलीज करेंगे धीरे धीरे। ये थोड़ी देर रखिए, इस पर ही रखिए, कुछ नहीं हो रहा तो यही ध्यान लगाइए थोड़ी देर के लिए। टेम्पल मुद्रा आपकी तरफ रखें थोड़ी देर, आईज क्लोज भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगाएं। वेरी गुड, होल्ड इट, 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, थे टेम्पल मुद्रा के लिए लाइए, सामने की तरफ सीना, बैक सीधी एकदम स्ट्रेट। अब थोड़ी देर फील करें आईज क्लोज करते हुए, एनर्जी आपके इंडेक्स फिंगर्स होते हुए दोनों पूरी बॉडी के अंदर आ रही है, महसूस करें, फील करें ऑटोमेटिक। हाँ अच्छा फील करने लगे, जो आपकी तरफ सकते हैं आप कर लीजिए, ऐसे आप कर लीजिए, लेकिन इंडेक्स फिंगर की पोजिशन जरूर लीजिए दोनों मिलाकर, फील करें थोड़ी देर, और पहले के मुकाबले काफी अच्छा फील करने लगेंगे। देन स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, धीरे टेम्पल मुद्रा को हटा देंगे, और कोई मुद्रा नहीं, पाम को आप कर लेंगे, और गहरी सांस लेंगे, एंड देन गहरी सांस छोड़ देंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं ज्यादा पॉइंट समझा, लेकिन मेन पॉइंट आपको
बता देता हूँ, ये थम्स है ना आपके, ये थम्स आपके इंडिकेट करते हैं ब्रेन को। तो हल्का हल्का जैसे प्रेस करेंगे ना यहाँ बीचों बीच, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे ये स्पाइन आपकी जो थम का टिप्स है ना, इससे ये जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हड्डी का एरिया, ये वाला बोन्स का, ये यहाँ तक, ये पूरी आपकी स्पाइन है। ये C1 यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे C1, C2, C3, C7 तक, फिर ये ल्यूम्बर रीजन ऐसे होता हुआ आपका पूरा लास्ट तक सैक्रम रीजन, यहाँ तक ये पूरी स्पाइन। इसके बाद ये हिप रीजन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये आपके पैर, टिप भी आपकी ब्रेन को इंडिकेट करती है। इसी के साथ ये उभरा हुआ पार्ट आपका, ये जिनको थायराइड रहता है ना उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे दबा लीजिए थायराइड, खासकर जिनको गैस की समस्या रहती है गैस्ट्रिक, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए, ये थायराइड के लिए तो खासकर बहुत अच्छा, जिनको थायराइड की समस्या रहती है। ऐसे राइट आर्म्स में भी, दोनों हाथों में सेम पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ हार्ट सिंगल है ना। ऐसे हार्ट आपका लेफ्ट की साइड यहाँ पर, ये जॉइंट फिंगर करते हैं इससे 1 इंच नीचे, यहाँ हार्ट है। राइट की तरफ आपका लीवर, वो भी सिंगल है, वो राइट के सेम जहाँ हार्ट है इधर की तरफ, ये राइट में क्या है लीवर का पॉइंट है। हल्का हल्का प्रेस कर लें, आपको कोई समस्या नहीं तो पेन भी नहीं होगा, लेकिन जिसको समस्या रहती है लीवर या हार्ट से रिलेटेड कैसे भी, वो पेन्स होते हैं पॉइंट्स। ऐसे ही बीचों बीच आपकी किडनी, राइट की तरफ राइट वाली किडनी, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की किडनी, बिल्कुल बीचों बीच। इनको यूरिन की ज़्यादा समस्या रहती है वो दबा ले सकते हैं इसको, ऐसे ये बीचों बीच थोड़ा सा। ये क्लैपिंग इसलिए कराते हैं दोनों हाथों से कि सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके। हल्का हल्का दबाइए, ऐसे ही जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी का, ऐसे हल्का हल्का इनके जॉइंट्स को एक एक, नहीं तो कंबाइन कर लीजिए ऐसे, स्ट्रेच करें बाहर की तरफ फुल, ये देन इनसाइड। एक बार स्ट्रेच करते होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, यहीं से आपकी तरफ ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे फुल अप, 5 4 3 2 1, डाउन की तरफ लाएंगे नेक के पास, दोनों एल्बोस को ज्वाइन कर लेंगे। अब इनहेल सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे आपकी तरफ, और स्काई की तरफ देखेंगे आप, सांस छोड़ते हुए फिर से ज्वाइन करेंगे आप, ज्वाइन करेंगे आप, ज्वाइन करेंगे आप, ज्वाइन करेंगे आप, ज्वाइन करेंगे, देन आप की तरफ स्ट्रेच करते होल्ड करेंगे, स्ट्रेच एंड होल्ड, 5 4 3 2 1, देन रिलैक्स करेंगे डाउन की तरफ आ जाएंगे। टेक अ डीप ब्रीथ अगेन, ब्रीथ आउट। अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, लेफ्ट आर्म से ज्ञान मुद्रा, राइट से विष्णु मुद्रा। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करिए, इनहेल बाय लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज, एक्सहेल बाय राइट नोस्ट्रिल। अब चेंज करते हैं अल्टरनेट एटलीस्ट 20 टाइम। आइज क्लोज करते फील करिए अपनी ब्रीदिंग को, महसूस कर अपनी श्वासों को,
लास्ट टू ब्रीथ, then relax, arms down, slowly open your eyes, फिर से गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, breathe in, अब हम last phase की तरफ चल रहे हैं, तीन दिन हो गए हमें workshop करते हुए योग की, practical session का तो last चल रहा है, अब ये हमारे अखंड योग का नारा है, आपने सुना है सबसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि सबसे प्यारा, क्या बोलते हैं उसमें, देश हमारा, ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सबसे प्यारा, उसके बाद इसकी रक्षा, हाँ तीन बार बोलते हैं हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, देश तो प्यारा हमारा है ही, लेकिन देश प्यारा कब बनेगा, जब हम भी प्यारे होंगे, है नहीं, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो देश स्वस्थ होगा, तो उसमें एक थोड़ा सा चेंज है, तो जब बोलेंगे ना कि सबसे प्यारा, तो हमें कहना कि शरीर हमारा, इससे कीमती तो कुछ नहीं है, इसके बाद ही फिर देश आएगा, ठीक है, सबसे प्यारा शरीर हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, कोई दूसरा तो नहीं करेगा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, अब करेंगे कैसे, उसका सबसे अच्छा साधन क्या है आज के समय में, वो योग है, कैसे करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे, योग से करेंगे, तो वही एक बार नारा हम ये करेंगे, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, प्लीज एक बार थोड़ी वॉइस के साथ, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, इसकी रक्षा, कैसे छोटी छोटी आवाज में करें, थोड़ा तेज, इसकी रक्षा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, इसकी रक्षा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, इसकी रक्षा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, इसकी रक्षा, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पक्का योग करेंगे डेली, डन है, बहुत बढ़िया, चलिए नहीं अभी अभी एकदम ताली नहीं हो जानी, जल्दी विदा करना है। चलिए सभी अपनी ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर ही केंद्रित करें, ज्ञान मुद्रा ले लेंगे, अब देखिए इस पर रिलैक्सेशन का मैं आपको समय बताऊँ, ऐसे हल्का सा दोनों पैरों को सीधा रखना है और हल्का सा बैक को ऐसे रख देंगे, देन धीरे से, देन दोनों आर्म्स साफ, बस चेयर का ध्यान रखें कि बैलेंस बना ले आपका, चोट ना लगे बिल्कुल भी, पैर सीधे रहे, हाथ ऊपर ऐसे तरफ और आइज क्लोज, जमीन पर रख लीजिए पैर को, दिक्कत नहीं, ऊपर उठा सकते हो ऊपर उठा लीजिए, आइज क्लोज करें थोड़ी देर के लिए, छोड़ दीजिए यहीं, थोड़ा सा लेटर रहेंगे एक मिनट, ध्यान पूरा ब्रीदिंग पर, आपकी तरफ भी ले आ सकते हैं, और लूज कर दीजिए और फील करिए अपने पूरी बॉडी को, एक एक पार्ट्स को महसूस करें, आइज क्लोज ही रखेंगे, अगेन रबिंग करिए पाम को सिंगल टाइम, अच्छे से रब करें, थोड़ी देर आंखों पे रखें, देन धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे, एंड स्लोली स्लोली ओपन योर आइज, धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए दोनों आर्म्स कप ले जाएंगे, टेम्पल मुद्रा लेंगे, स्ट्रेच फेस, प्लीज स्माइल बनाए रखे फेस पर सभी, बैक सीधी, एंड होल्ड फ्यू सेकेंड, डाउन की तरफ भी ला सकते हैं, सिर पर रखेंगे, वेरी गुड, अगेन आप डाउन,
आप डाउन अप डाउन अप डाउन अप ब्रीथ इन के साथ ब्रीथ आउट डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए अभी ये टफ लग रहा होगा आपको, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा चेयर, लेकिन आज के सबके समय की सबसे ज़्यादा डिमांडेबल चीज़ यही है। सब आपको ऑफिस वर्कर्स मिलेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड आपकी चेयर पोज की है। चेयर पर कैसा करें? हाँ चलिए तो रिलैक्स हो जाना टाइम, थोड़ा सा आप लाफिंग क्लास करेंगे, कोई साइलेंट, किसी को दिक्कत भी नहीं देनी। दोनों आप सामने की तरफ रखेंगे, जितना लाउड लिख खुद में खुल के हंसी है, ठीक है? परेशानी किसको नहीं देनी। चलिए थैंक यू, क्लैप करेंगे सभी अपने लिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।